नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 अक्टूबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब निकाल ले कंबल और रजाई, तेज हवा से बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में बारिश के भी आसार। बिहार में लगेगा निवेशकों का महाकुंभ, उद्योग विभाग 40 देशों के संपर्क में, बिहार मूल के उद्यमी भी होंगे शामिल। लंबे इंतजार के बाद खुला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, टाइटेनिक प्वाइंट बढ़ाएगा पर्यटकों को रोमांच, लॉकूस रिवर पाथवे बनेगा आकर्षण का केंद्र। बिहार में केंद्रीय टीम करेगी बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन, दो हिस्सों में बटी केंद्रीय टीम, राज्य सरकार ने केंद्र से मांगे 3,685 करोड़। पहली बार 3 ट्रांसजेंडर बने दारोगा, सीएम ने 1,239 दारोगा को बांटे नियुक्ति पत्र, डीजीपी को 78,000 बहाली करने के मिले निर्देश। और भारतीय टीम के लिए खुशखबरी, मोहम्मद शमी ने दी इंजरी पर अपडेट, कहा मैं 100% दर्द फ्री हूं। अब खबरें विस्तार से। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने ट्रेन अप्रेंटिस, स्नातक अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस और एचआर ट्रेनी के पदों के लिए कुल 230 रिक्तियां निकाली है। आवेदन प्रक्रिया बीते 19 अक्टूबर 2024 से शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 17 नवंबर 2024। ट्रेन अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का AITT उत्तीर्ण के साथ संबंधित ट्रेन में NCBT द्वारा जारी NTC सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। ट्रेन अप्रेंटिस फ्रेशर पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। स्नातक अप्रेंटिस पदों पर फॉर्म भरने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री, वही टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों पर आवेदन करने के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया होना चाहिए। वही एचआर ट्रेनी पदों पर आवेदन के लिए पूर्णकालिक स्नातक या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आदि किया हो। इच्छुक अभ्यर्थी ऑफिशियल पोर्टल हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पटना में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का शुभारंभ 22 अक्टूबर को ज्ञान भवन में होगा। ये मेला 22 और 23 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे, जिसमें देश विदेश के पर्यटन उद्योग के कई प्रतिनिधि जो हैं शामिल होंगे। इस दौरान बिहार के पर्यटन स्थलों का नए सिरे से प्रचार प्रसार करने और पर्यटन उद्यम को बढ़ाने की संभावनाओं पर मंथन होगा। बता दें, सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन में 15 भारतीय राज्यों से 100 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें उत्तर पूर्व के राज्य भी शामिल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों के पर्यटन विभाग अपने अपने स्टॉल के माध्यम से विभिन्न पर्यटन उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी भवानी भट्टाचार्य की। आज ही के दिन 10 नवंबर 1906 में भारतीय साहित्य के प्रमुख लेखक भवानी भट्टाचार्य का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था। भट्टाचार्य ने 1930 में रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता द गोल्डन बूट का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे उन्हें एट्स और ब्राउन जैसी महान हस्तियों से अंग्रेजी में लेखन की सलाह मिली। 1947 में प्रकाशित उनके पहले उपन्यास सो मेनी हंगर्स ने उन्हें साहित्यिक पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपन्यास और कहानियां लिखी, जिनमें इतनी सारी भूखे भारतीय काफिला, वे जो बाघ की सवारी करता है और द गोल्डन बोट शामिल है। राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने जिलों से पदों का रोस्टर प्राप्त कर लिया है और सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचन भेजा जाएगा। इसके बाद ये BPSC के पास जाएगा, जो विज्ञापन जारी कर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करेगा। कुल 5,534 पद प्राथमिक विद्यालयों और 1,745 पद मध्य विद्यालयों में भरे जाएंगे। केवल वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पूर्व आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। नियुक्ति 9 प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए की जाएंगी, जिसमें दृष्टिहीन बच्चों के लिए अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। बिहार सरकार ने आर्थिक विकास को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत सरकार ने लगभग 40 देशों के राजनयिकों के साथ बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है। सरकार उन उद्यमियों से भी संपर्क कर रही है जिनका मूल बिहार है, ताकि वे अपने राज्य में निवेश करें। इसके साथ ही बड़ी कंपनियां जैसे अडानी और ब्रिटानिया को भी इस समिट में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल की सफलता के बाद इस बार और अधिक देशों को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे बिहार को एक निवेश हब के रूप में स्थापित किया जा सके।
अगर आप अपनी बाइक को एक शहर से दूसरे शहर भेजना चाहते हैं तो आपके पास दो विकल्प है, पहला पार्सल सेवा और दूसरा लगेज के रूप में। पार्सल सेवा के लिए पार्सल ऑफिस जाना होगा, आपको अपनी बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की दो फोटोकॉपी जमा करनी होगी और बाइक का टैंक पूरी तरह से खाली करना होगा। इसके बाद बाइक को अच्छे से पैक करना होगा और कार्डबोर्ड पर डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम लिखना होगा। इसके साथ ही एक फॉर्म में बाइक के विवरण और वर्जन को दर्ज करना होगा। वही अगर आप लगेज के रूप में भेजना चाहते हैं तो आपको ट्रेन आने के आधे घंटे पहले स्टेशन पर पहुँचना होगा। बाइक को पार्सल की तरह पैक करना अनिवार्य है और इसके लिए आपकी यात्रा का टिकट होना भी ज़रूरी है। आपकी बाइक लगेज कोच में रखी जाएगी और आपको एक बिल दिया जाएगा जिसे डेस्टिनेशन पर दिखाकर बाइक प्राप्त किया जा सकेगा। कीमत की अगर हम बात करें तो ये दूरी के हिसाब से तय होती है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब शिक्षकों का वेतन ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाएगा जो अक्टूबर के वेतन से लागू होगा। शिक्षा विभाग ने इस नई व्यवस्था के तहत ई शिक्षा कोष नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने को अनिवार्य किया है। सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को 1 अक्टूबर से अपनी उपस्थिति ऐप पर दर्ज करनी होगी। अनुपस्थित शिक्षकों की निगेटिव लिस्ट जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजी जाएगी। तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाने वाले शिक्षकों के लिए भौतिक उपस्थिति पंजी के आधार पर वेतन भुगतान का प्रावधान भी है। बिहार में बिजली खपत के तरीकों का अध्ययन किया जाएगा। बिजली कंपनी ने इस दिशा में तैयारियां तेज कर दी है ताकि राज्य में बिजली की खपत की बुनियादी जानकारी जुटाई जा सके और बिजली चोरों पर नकेल कसी जा सके। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अध्ययन के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटरों का उपयोग किया जाएगा। बिहार में 5 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित हैं, जिससे ये अध्ययन करना अपेक्षाकृत आसान होगा। अधिकारियों के अनुसार स्मार्ट मीटरों से ये पता चल सकेगा कि किस इलाके में कितनी बिजली की खपत हो रही है और ये भी पता चलेगा कि किस ट्रांसफार्मर से कितने उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। इस डेटा के आधार पर बिजली चोरी के मामलों का पता लगाना जो है आसान हो जाएगा। बिहार कैडर के 13 आईपीएस अधिकारियों को 25 दिनों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में फेज 3 की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। यह ट्रेनिंग कार्यक्रम 2 से 27 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। इन अधिकारियों में CID के SP रवि रंजन कुमार, गृह रक्षा वाहिनी के समदेष्टा इनामुल हक मेंगनू और अन्य कई प्रमुख अधिकारी जो हैं शामिल हैं। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य अधिकारियों को नई तकनीकों और रणनीतियों से लैस करना है। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत 381 बिना NAAC मान्यता वाले निजी शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। NIRF रैंकिंग, NBA मान्यता और NAAC ग्रेडिंग की अनिवार्यता को 2024-25 सत्र के लिए 1 साल के लिए शिथिल किया गया है। विभाग ने एक नया पोर्टल का विकास करने का निर्णय लिया है जहां संस्थानों को आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी। सभी संस्थानों को NAAC की अर्हता के लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा। अपर सचिव सज्जन आर ने परियोजना प्रबंधकों को विद्यार्थियों के आवेदनों की जाँच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बीते दिन बिहार में बापू सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में 794 पुरुष, 442 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर समेत कुल 1,239 नवनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस विभाग में रिक्त 78,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया 6 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। बता दें कि वर्तमान में राज्य में पुलिस बल की संख्या जो है 1.10 लाख है। 21,000 पुलिस बल की बहाली प्रक्रिया जारी है जबकि 20,000 पुलिस बल की बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है। अब सीधे लिए चलते हैं बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जहाँ 4 महीने की बेसब्री के इंतजार के बाद जंगल सफारी की शुरुआत हो गई है। बता दें कि वाल्मीकि नगर, मंगूराहा और गोवर्धना के पर्यटन केंद्रों पर जंगल सफारी का रोमांच का आनंद अब आप उठा पाएंगे। बता दें कि यहाँ आदिवासी झमटा नृत्य के साथ पर्यटकों का स्वागत किया जा रहा है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ कई खूबसूरत स्थल मौजूद है, विशेष रूप से रिवर पाथवे जो मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर बनाया गया है जो गंडक नदी के किनारे स्थित है।
बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम का 2 दिवसीय दौरा चल रहा है। इस टीम का नेतृत्व गृह विभाग के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी कर रहे हैं। बीते दिन टीम ने बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के साथ बैठक की, जिसमें राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ के प्रभाव पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया। टीम को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक में 3 और दूसरे में 4 सदस्य शामिल है। ये टीमें सीतामढ़ी और दरभंगा जैसे प्रभावित जिलों का दौरा कर रही है। बता दें इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र से 3,638 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है। अगर हर महीने रिचार्ज कराने के झंझट से बचना चाहते हैं तो BSNL का 1,515 रुपए वाला प्लान आपके लिए बेहतर है। बता दें इस प्लान की वैधता 365 दिन है, जिसका मतलब है कि आप पूरे 1 साल के लिए इंटरनेट, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और SMS का लाभ उठा सकते हैं। इस प्लान में आपको रोजाना 2 GB डेटा मिलता है, यानी साल भर में कुल 720 GB डेटा। इसके अलावा आपको हर दिन 100 मुफ्त SMS भी मिलते हैं। खास बात तो ये है कि जब आपका हाई स्पीड डेटा खत्म हो जाता है तो भी आप 40 KBPS की स्पीड से इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये कि इस प्लान का मासिक खर्च केवल 126 रुपए है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकवादी हमले में बिहार के 3 श्रमिकों की दुखद मृत्यु पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। पटना के बापू सभागार में आयोजित 1239 नवनियुक्त दारोगाओं के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये घटना मर्माहत करने वाली है। उन्होंने इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों को धैर्य और साहस प्रदान करने की कामना की। इस समय बिहार में तापमान में गिरावट आ रही है और सुबह रात की ठंड भी महसूस की जा रही है। लोग कूलर और AC बंद करने लगे हैं और जल्द ही पंखों का भी इस्तेमाल जो है कम होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अक्टूबर को बंगाल में एक चक्रवात विकसित होने की संभावना है, जिसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ेगा। इसके चलते हल्की बारिश और तेज हवाओं के साथ ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। आज का मौसम जो है शुष्क रहेगा, लेकिन 23 से 26 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बीते दिन बिहार के बेगूसराय में PP ज्वेलर्स में लुटेरों ने 40 लाख के आभूषण की लूट को अंजाम दिया। वहीं भागने के दौरान शोरूम के मालिक द्वारा फायरिंग करने पर 2 लुटेरों को गोली लग गई, जिसके बाद लोगों ने दोनों लुटेरों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही SP मनीष सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू करते हुए दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इस कांड से जुड़े सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पटनावासी अब अपने घर बैठे ही निकटतम छठ घाट और तालाबों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नगर निगम ने एक विशेष व्हाट्सएप चैट बोट की सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए व्रती आसानी से घाटों की जानकारी ले पाएंगे। इस ई सेवा का उपयोग करने के लिए बस अपने व्हाट्सएप से हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर पर हाय लिखना होगा। इसके बाद यूजर्स को अपनी पसंदीदा भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा और इसके साथ ही विभिन्न सेवाओं की सूची भी प्राप्त होगी। लोकेशन साझा करने के बाद यूजर्स को नजदीकी छठ घाट की जानकारी मिलेगी, साथ ही घाट तक पहुंचने का मार्ग भी बताया जाएगा। दिवाली और धनतेरस के मौके पर सोना खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। ये सोने की शुद्धता को प्रमाणित करता है। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव होता रहता है, इसलिए ज्वेलरी खरीदने से पहले बाजार में कीमतें जांच लें। ज्वेलर को नगद भुगतान करने से बचें। ऑनलाइन पेमेंट से एक डिजिटल रिकॉर्ड बना रहता है, जो भविष्य में आपकी मदद कर सकता है। खरीदारी के बाद ज्वेलर से बिल जरूर मांगें, ये आपके खरीदारी के प्रमाण के रूप में काम आएगा। छोटे ज्वेलर्स के बजाय बड़े और भरोसेमंद ज्वेलर्स से सोना खरीदने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है, जो आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में आयोजित होगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी और दिवाली तथा छठ पूजा से पहले सरकार की ओर से कुछ बड़ी सौगातों की उम्मीद जताई जा रही है। आपको याद दिला दें कि 15 अक्टूबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में बिहार पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बिहार में तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। अब तक 4 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। सोमवार को
सोमवार को तरारी में 2 और रामगढ़ में 2 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे भरे। निर्वाचन विभाग की जानकारी के अनुसार तरारी विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव और भाकपा माले के राजू यादव ने नामांकन किया है। वहीं रामगढ़ सीट से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह और राजद के अजीत कुमार सिंह ने भी अपने पर्चे दाखिल किए। दूसरी ओर इमामगंज और बेलागंज सीटों के लिए अभी तक कोई नामांकन नहीं हुआ है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की पहली चुनावी परीक्षा भोजपुर की तरारी विधानसभा सीट पर फेल हो गई। पार्टी ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया, लेकिन वे बिहार के वोटर नहीं है, जिससे पार्टी को नए उम्मीदवार की तलाश करनी पड़ रही है। जनसुराज पार्टी ने घोषणा की है कि वे तरारी में उम्मीदवार बदलेंगे। बता दें, प्रशांत किशोर आज आरा में नए कैंडिडेट के नाम का ऐलान करेंगे। वही इस मामले पर प्रशांत किशोर का कहना है कि एसके सिंह ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 8A भरा है, हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दिनों भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज चल रही है, जो भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद भारतीय टीम को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां वे 5 टेस्ट मैच खेलेंगे। भारतीय टीम के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो हाल ही में रिहैब से गुजर रहे थे, उन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि वे अब 100% दर्द फ्री हैं। शमी ने यह भी कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कुछ रणजी मैच भी खेलना चाहते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन सन 1962 में नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल राष्ट्र को समर्पित की गई थी। आज ही के दिन सन 1975 में वीनस 9 अंतरिक्ष यान का शुक्र ग्रह पर अवतरण हुआ था। आज ही के दिन सन 2004 में अंकटांड रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में निवेश में भारत 14वें स्थान पर रहा था। आज ही के दिन सन 2008 में इसरो ने भारत के पहले चंद्रयान मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया था। इस मिशन से चंद्रमा पर पानी के होने का पता लगा था। और आज ही के दिन सन 2016 में भारत ने कबड्डी विश्व कप जीता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अक्टूबर को सुपौल का दौरा करने वाले हैं। बीते दिन डीएम कौशल कुमार और एसपी सैसव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सभी वाहनों को डिग्री कॉलेज चौक से पिपरा रोड की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। किशनपुर प्रखंड के मलाड़ पंचायत को विशेष रूप से सजाया जा रहा है, जहाँ 24 विभागीय स्टॉल लगाए जाएंगे। प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ 24.977 करोड़ की 99 परियोजनाओं का उद्घाटन और 195.212 करोड़ की 111 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास से होगा, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा आज का पहला सवाल है, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने बिहार में यात्रा शुरू की है, उसे नाम दिया गया है। ऑप्शन ए है हिंदू जनजागरण यात्रा, ऑप्शन बी है हिंदू स्वाभिमान यात्रा, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। हाल ही में किस राज्य ने एससी कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। इसका सही उत्तर होगा ए, हरियाणा। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के नियमों का ड्राफ्ट किस राज्य में सीएम को सौंपा गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा सी, उत्तराखंड। बिहार का पहला नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए है दामोदर घाटी निगम, ऑप्शन बी है कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना, ऑप्शन सी है सोन नदी घाटी परियोजना और ऑप्शन डी है कोसी परियोजना। इसका सही उत्तर होगा ए, दामोदर घाटी निगम परियोजना। बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा फल उगाया जाता है? ऑप्शन ए है लीची, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है अमरूद और ऑप्शन डी है केला। इसका सही उत्तर होगा ए, लीची। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, संजीव कुमार, राजीव कुमार, सपना कुमारी, मुकुल, सुमेर कुमार, सुशील कुमार, जयराम कुमार, मनोज कुमार, प्रतिमा कुमारी, नीरज कुमार, गोविंदा कुमार, बंटी पासवान, सुनील कुमार, नंद कुमार सिंह, बलिंदर ठाकुर, प्रशांत सिंह, सिंकू कुमारी, राहुल यादव, सालू सिंह, रंजीत सिंह, नौशाद रजा, मोहम्मद सलमान, रविशंकर, मोहम्मद साकिर हुसैन, विनय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर।
आज का सवाल है, आपके सपनों का घर कैसा होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।